नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किया सोनेट एसटीएक्स आईएमटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे किन मामलों में जो आईएमटी वेरिएंट है आपकी जो हुंडई वेन्यू आती है उससे बेहतर है, और जो सेगमेंट में और बाकी सारी इसकी मिनी एसयूवीज आती हैं उनसे बेहतर क्या क्या इसमें फ़ीचर ऑफर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कार है आपकी काफ़ी ज़्यादा फीचर के साथ में अवेलेबल होती है। मेन जो इसका मार्केट में फोकस रहा है इसके जो फीचर इसके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स इसमें आते हैं, इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से इसमें अच्छे अच्छे फीचर आते हैं और किन मामलों में ये जो कार है बाकी जितनी भी मिनी एसयूवीज आती हैं उनसे बेहतर है। तो चलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक एक फीचर को आपको गिनाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं की के साथ में। आप इस समय की देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम की इसकी आपको मिल जाती है, जो किया का न्यू लोगो आया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे कुछ टेक्सचर आपको मिल जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम लगती है। क्रोम फिनिश इस जगह दिया गया है और यह जो एक छोटा सा बटन दिया है यहाँ से आप इसको प्रेस करके जो फिजिकल की है इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको यहाँ लॉक अनलॉक और होल्ड करके आप इसका बूट अनलॉक कर सकते हैं। और बीच में जो होल्ड आप देख रहे हैं ना इसको अगर आप होल्ड किए रहें तो कार स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी कार का फ्यूल लो है उस वजह से स्टार्ट नहीं होगी। और साइड में आप देख पा रही हैं क्रोम की फिनिश दी गई, इस वजह से की काफ़ी ज़्यादा इसकी आपको प्रीमियम लगने वाली है। की का एक और फीचर है वो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपके वायरिंग पर ध्यान दे रहे होंगे ये अभी क्लोज है, जैसे मैं पास की लेके गया इसकी कोई भी बटन आपको नहीं प्रेस किया था ऑटोमेटिक ओपन हो गया। जैसे अब मैं पीछे लेके आऊँगा इसको आप वॉल्यूम्स देखते रहिएगा, देखिए वॉल्यूम्स क्लोज हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। और मैं इसको फिर से पास अगर ले जाता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको इसमें फीचर मिल जाते हैं, काफ़ी फीचर रिच की आपको इसमें मिल जाती है और डिज़ाइन की बात करें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर मुझे पर्सनली अगर बोला जाए ना, ये कार है इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यूथ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं फुल LED सेटअप के साथ आती है, नीचे आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। LED सेटअप और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको वेन्यू में मिल जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो इसका जो डिज़ाइन है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको मिल जाता है। आप इस जगह पर जो इसका DRL देख पा रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और नाइट टाइम इसका जो DRL है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील भी देता है। और फ्रंट लुक की बात करें इस जगह पे आपको क्रोम का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो ग्रिल है पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है, नीचे के साइड में आपको जो स्किड मिलती है या आपको सिल्वर कलर की मिल जाती है, और जब मैट ब्लैक का यूज़ किया गया है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो आपको फ्रंट से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है, और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट कुछ इस जगह पे आपको हो जाएगी। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ इस जगह पे आपको जो फॉग लैम्प है वो प्रोजेक्टर मिलता है, साइड में क्रोम का यूज़ किया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया गया है, इसकी वजह से आप जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी रहने वाली है। और फुल LED सेटअप आता है तो विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और पेंट की क्वालिटी की बात करें तो पेंट की क्वालिटी जो इसमें यूज़ की गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पेंट की क्वालिटी यूज़ की गई है। इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पे साइड स्किड आपको मिल जाती है, इसकी वजह से थोड़ी सी आपको इसमें रिजिड फील भी आता है, आपको लगता है कि हाँ एक ही मिनी SUV है, उस टाइप का आपको कुछ फील भी आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लगने लगती है। और हम अगर इसके टायर साइज़ की बात कर लें तो 250/60/7R16 इसमें आपको टायर मिल जाता है। और अलॉय व्हील की बात करें तो आपको दूर से देखने में ब्लैक लग रहा होगा, बट अगर पास से देखेंगे तो ये जो अलॉय व्हील है आपको हल्का ग्रे फिनिश मिल जाता है, ये डायमंड कट अलॉय व्हील है। यहाँ पे जो किया का लोगो आपको मिलता है उसके बगल में आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और अलॉय व्हील की अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में अलॉय व्हील आ जाता है। फ्रंट डिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैलिपर आपको मिल जाता है वो आपको सिल्वर कलर का मिल जाता है, मतलब जो किया है ना डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और ओवरऑल डिज़ाइन की देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन प्रीमियम डिज़ाइन एक मिलने वाला है, और काफ़ी फ्रेश लुक के साथ में आ जाती है। और ये जो साइड स्किड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको हल्का सा सिल्वर फिनिश दे दिया गया है, मतलब बाकी जितनी भी कार्स आती थी उसमें ब्लैक कलर की साइड स्किड दे दी जाती थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट किया गया, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, प्रीमियमनेस लगती है गाड़ी में। और इस जगह पर आप देख पा रहे हैं साइड हैंडल ये भी आपको क्रोम्स का मिलता है, और अगर रिक्वेस्ट सेंसर की बात किया जाए तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको एक ही मिलता है यहाँ पर ड्राइवर साइड में। ओवरऑल क्वालिटी की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आ जाती है, क्वालिटी रिलेटेड कोई इशू मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, क्योंकि जितने भी साइड पैनल्स हैं उसमें आपको गैप देखिए एकदम प्रॉपर गैप आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, तो क्वालिटी का काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है। और इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे इसको ओवरव्यूम्स हैं, इस पर ओवरव्यूम्स से आपको इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं, इंडिकेटर वो भी आपको LED मिल जाता है, और आपको डुअल टोन मिल जाता है, नीचे हल्का सा ब्लैक मैट ब्लैक मिलता है, ऊपर जो आपको जो बॉडी कलर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस जगह पर IMT की बैजिंग मिल जाती है, और जो आप ये जो कार है ये IMT वेरियंट है, तो मैं अंदर चलूँगा तो दिखाऊँगा कि ये वर्क कैसे करता है। ओवरऑल सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा।
अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे तो ये इतना जो पार्ट है पीछे वाले डोर का और फ्रंट वाले डोर का, ये हल्का सा मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है। ये जो कार है ये ब्लैक है तो इसमें आपको इतना दिख नहीं रहा, बट अगर ये दूसरे कलर की कोई कार होती तो आपको इसमें मैट ब्लैक यूज़ मिलता जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रूफ रिल की बात करें तो सिल्वर और ब्लैक कलर में आपको इसकी रूफ रिल मिल जाती है। और पीछे की साइड इसमें चलते हैं इसके बैक लाइट की तरफ, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें आपको रियर लैंप मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको मिलता है। आपको एलईडी टेल लैंप इसमें आपको मिलने वाला है। और डिज़ाइन की बात करें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे हल्का सा देख पा रहे हैं उसका स्नेक टाइप का ये लगता है साइड से देखने में, जैसे कि आप इस जगह पर आप देख पा रहे हैं, पर दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और नाइट टाइम इसकी भी जो विजिबिलिटी है उसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। और इस जगह बीच में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड में, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे DJI की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, सोनेट की बैजिंग उस जगह मिल जाती है। और जब आपको किया का जो न्यू लोगो है वो आपको मिल जाता है, जो किया का न्यू लोगो है पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है दिखने में। बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा है बट मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिछले वाले के मुकाबले। इस जगह पर आपको उसका कैमरा का प्लेसमेंट मिल जाती है, कैमरे की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे की गई, मतलब कि ऐसा अलग से नहीं लगता है कि कोई कैमरा लगाया गया, जहाँ पे भी उसकी प्लेसमेंट की गई ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पे इसकी प्लेसमेंट की गई। पीछे साइड में आपको रियर वाइपर इसमें नहीं मिलता बट रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर भी इसमें दे देना चाहिए था बट वो आपको इसमें मिसिंग मिलता है। और हम बात कर लेते हैं इसके बूट की, इसका बूट स्पेस है आपको जो एग्जैक्ट बूट स्पेस है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, बट अगर स्पेसिंग की नॉर्मल अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। 3 आप अपना सूटकेस बड़ा वाला जो रहता है वो आप रख सकते हैं, उसके अलावा भी इसमें सामान आराम से आप रख सकते हैं। पीछे साइड में इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, और हुक की बात करें तो इस जगह पर आपको एक हुक मिल जाता है ताकि कोई सामान रखा आप उसको बांधना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसको स्पेयर व्हील है वो मिल जाता है, स्पेयर व्हील आपको थोड़ा सा जो नॉर्मल साइज की चारों टायरों से छोटा मिलता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 195/65 R15 आपको इसमें टायर मिलता है। और इस यहाँ पे जो इसकी ऑपरेट करने के लिए किट है वो सब आपको मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन देखा जाए बोट का तो काफ़ी नीट एंड क्लीन इसमें आपको डिज़ाइन मिलने वाला है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल डिज़ाइन मिलने वाला है। आपको लोड अनलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप भी नहीं है, इस वजह से लोड अनलोड करने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इस जगह पे आपको एक इसका जो अच्छा फीचर है जो मैं अंदर चल के बताऊँगा, यहाँ पे जो इसका यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें फ़ीचर मिलने वाला है, इस कार में भी मिलने वाला है, जो कि आपको मिलता था आपकी अल्काज़ार में जो फीचर मिलता था इसमें आपको वो मिलने वाला है। यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और पार्सल ट्रे की बात करें तो पार्सल ट्रे भी आपको इसमें मिल जाता है, पार्सल ट्रे का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें मिल जाता है। और कुछ तो पीछे के साइड में ऑफर नहीं होता। और पार्किंग सेंसर की बात करते हैं तो 2 ही आपको इसमें रियर साइड में सेंसर मिलते हैं बस, बट जितना मतलब प्राइस है कार का उस हिसाब से कम 4 सेंसर दे देने चाहिए, क्योंकि 2 सेंसर से उतना अच्छा आपको व्यू नहीं मिल पाता, उतना ज़्यादा सेंस नहीं कर पाता, क्योंकि एरिया कम कवर करता है ना। एक साइड में भी सेंसर अगर पूरा 4 सेंसर रहते तो वो अच्छा रहता। और पीछे की स्किड पैड की बात करें तो सिल्वर कलर की आपको इसमें स्किड पैड मिल जाती है, और ब्लैक पियानो ब्लैक भी बीच में यूज़ किया गया, तो पीछे से इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है दिखने में। और जो सोनेट लिखा हुआ आपको मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको मिल जाता है, पीछे से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कार। फ्रेंड्स अगर ऊपर आपके देख पा रहे हो तो वहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं पियानो ब्लैक फिनिश का एक छोटा सा पार्ट आपको मिल जाता है इस जगह पे। अगर आपको ये ब्लैक कलर के जगह दूसरा कोई कलर रहता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ विजिबल होता, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, बट ब्लैक कलर उसमें मिल जाता है बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो पार्ट भी। चलिए बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या ऑफर हो जाता है। तो सबसे पहले डोर की बात करें तो डोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इसमें खुल जाता है, आप इसमें एंट्री और एग्जिट काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं, उसमें रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि मैं इसमें बैठा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत का सामना इसमें नहीं करना पड़ा। इस जगह आप देख पा रहे होंगे इसमें बॉटल होल्डर मिल जाता है, आप इसमें 1 लीटर 1/2 लीटर की बॉटल भी रख सकते हैं, 1/2 लीटर की बॉटल इस जगह पे भी रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेसिंग रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे हल्का सा लेदर का भी यूज़ किया गया था, प्रीमियमनेस का भी ध्यान दिया गया, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भी फील आपको ये करा देती है कार। इस जगह पर आप देख पा रहे हो सर जो विंडो से कंट्रोल है वो मिल जाते हैं, इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो पीछे के दो विंडो और आपको पैसेंजर साइड का विंडो वो लॉक हो जाता है, बट अगर बात करते हैं ड्राइवर साइड का विंडो ये आपका लॉक नहीं होता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है, ओवरविंग से कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिससे आपको आराम से दोनों ओवरविंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे तो आपको हुंडई का फील आ रहा होगा कि हुंडई में भी सेम इसी तरह की कुछ कीस का यूज़ किया जाता है जितने भी ये पार्ट है, तो मतलब आपको एक तरह से ऐसा लग सकता है कि हाँ हुंडई की ही एक सिस्टर कंपनी है, तो उस टाइप का को फील ये कार कहीं ना कहीं दिला देती है। और इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे क्रोम फिनिश का सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है,
और यहाँ से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है ये जो फिनिश का यूज़ किया। और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक क्वालिटी है, बट इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो ये नहीं है कि ओवर द टाइम ये आवाज़ करने लगेगा, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया, बट थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया, इसके साथ सॉफ्ट रहता है तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगने लगता है। इस जगह आप इसके ट्विटर की प्लेसमेंट देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन प्लेसमेंट इस जगह पर किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल इस जगह मिल जाएगा। यहाँ पर एक तो कुछ आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, फ्यूज़ का बॉक्स यहाँ मिल जाता है। अगर आप इसका बूट ओपन करना चाहते हैं तो इस जगह से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। और ये जो कार है ये IMT वेरिएंट है, तो इसमें आपको क्लच नहीं मिलने वाला है, उसकी जगह पर आपको ब्रेक और एक्सेलेटर मिलने वाला है। इस जगह पर आपको डेड पैडल मिल जाता है, बट यहाँ पे एक मैट लगाया गया है आफ्टर मार्केट से, वजह से वो डेड पैडल आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपको डेड पैडल मिल जाता है। बट जो ब्रेक का पैडल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा दिया गया है, बट जैसे कि ऑटोमेटिक कार में थोड़ा सा बड़ा पैडल आता है उस तरह का यहाँ पर दे देना चाहिए था। ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है इस जगह पर, इसको अच्छा किया जा सकता था। बट आप अगर इसके गियर पर देखेंगे जी IMT है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसा गियर आता था वैसा ही आपको लगेगा। मतलब आप कोई पैसेंजर बैठा वो देखेगा, मतलब बैठेगा उसके कार के बारे में उतनी नॉलेज नहीं, तो वो ऐसा सोचेगा कि ये मैनुअल कार है, बट ये मैनुअल नहीं है, IMT है। तो इस वजह से इसमें आपको क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता, बस आप गियर लगाइए, एक्सेलेटर लीजिए और चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आराम भी आपको ट्रैफिक में मिलने वाला है, आपको हल्का फुल्का, मतलब कि जी उन लोगों के लिए जो मतलब कि आराम भी चाहते हैं और थोड़ा सा चाहते हैं कि हमको गियर वाला भी मज़ा मिले, तो ये कार उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी चाहते हैं और थोड़ा सा आराम भी चाहते हैं। क्योंकि जो AMT आता है उसमें आपको अपने हिसाब से वो गियर चेंज करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पावर लैग महसूस होता है, बट इसमें आप खुद से चेंज करेंगे तो जो लैग है हल्का सा लैग आता है ना, वो आपको फील नहीं होने वाला है इसमें। जैसे फ्रेंड किया भी अंदर है, स्टीयरिंग इसका लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको इसका जो पुश स्टार्ट बटन है एक बार प्रेस करेंगे तो इसका जो स्टीयरिंग है ये अनलॉक हो जाएगा, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा, आपको वो आपको ऑन हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी आपको MID ऑपरेट करनी है तो एक बार और आप इसको प्रेस करेंगे, जिसका MID है वो आप ऑपरेट कर लेंगे। मैं AC का जो फ़ैन है उसका ब्लोअर धीरे कर देता हूँ, AC ऑफ कर देते हैं पहले। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो आपको मिलता है MID मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाले, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर भी ऑफर हो जाते हैं। और अगर आपको उसके फीचर को ऑपरेट करना है तो इस जगह से आप इसके फीचर को सारे को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ तो उस जगह पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ड्राइवर इन्फो आपको कैसी मिलती है और एक्यूरेट इन्फो आपको कितनी है, 19 किलोमीटर ये चली, 6.5 KMPL का माइलेज ये शो कर रही है, बट कार काफ़ी टाइम से खड़ी रहती है तो इसलिए इतना कम माइलेज शो कर रही है। बट अभी ये कार काफ़ी ज़्यादा नई है तो उतना अच्छा माइलेज भी अभी प्रोवाइड नहीं कर रही, मतलब उतना अभी माइलेज टेस्ट का हम लोग कर नहीं पाए हैं, तो 9-10 अभी आप मान सकते हैं, बट इन फ्यूचर आप जब आपको उसकी हैबिट हो जाएगी तो आप 11-12 तक निकाल सकते हैं। बट ये जो कार है टर्बो इंजन के साथ में आती है, 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ में आती है, तो माइलेज की एक्सपेक्टेशन इस कार से आप उतनी मत रखिएगा, क्योंकि माइलेज इसमें आपको उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। अगर आप माइलेज जाते हैं तो डीजल की तरफ जाइए इसका, या फिर 1.2 लीटर जो इसका इंजन है आप उस पर जा सकते हैं, उस पर आपको इससे अच्छा माइलेज प्रोवाइड हो जाएगा। और देखते हैं इसके इंफोटेनमेंट MID में कितना सारा आपको फीचर ऑफर हो जाते हैं। तो जैसे कि इस जगह आप क्लिक करेंगे तो आपसे लाइट कंट्रोल है वो आपको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, सारा कुछ इस जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बैक जाना है तो आप यहाँ से इसको बैक जाइए, फिर डोर का जो कंट्रोल है वो ऑटो लॉक अनलॉक करना है कि नहीं, और नीचे के आप जो जाएंगे तो विंडोज़ हुआ, वाइपर हुआ, और सब कुछ आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे के साइड में अदर फीचर हैं वो सब भी आपको, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर, सब कुछ का आपको इसमें कंट्रोल दिया गया है। आप मतलब अच्छे खासे फीचर के साथ में ये कार आपको अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, क्रूज़ कंट्रोल का आपको यहीं से ऑपरेट करना होगा। और तो ज़्यादा कुछ फीचर्स इसमें और ऑफ़र नहीं होते, बट जितने आपको फ़ीचर ऑफ़र होते हैं सेगमेंट में उतने फ़ीचर शायद ही किसी और कार में इस प्राइस रेंज में ऑफ़र होते हैं। इस जगह पे अगर आप देख पा रहे हो उसके जो AC वेंट मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, और नीचे के साइड में हल्का सा आप देख पा रहे हो टेक्सचर्ड मिलता है, वो टेक्सचर बस डिज़ाइन नहीं है, उसका आप फील कर सकते हैं, वो छू के आप फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो टेक्सचर मिला है वो आपको फील होता है। और पीछे के साइड में यहाँ पर देख पाए इस जगह पे आपको टेक्सचर मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बारीकी से इस कार पे काम किया गया है, तो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कार, मतलब प्रीमियमनेस आपको फील कराती है हर जगह से। और इस जगह पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है आपको पूरा एक ही पार्ट में लगने वाला है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर बात करते हैं इसके
इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है, मतलब आपको वायरलेसली आप इसका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको इसका जो साउंड क्वालिटी वो भी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। तब तक पहले फीचर्स और सब बता दें। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो इसका है उसका आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे जो बटन्स है ये दिया गया है, तो इसके अर्गोनॉमिक्स वाइज भी कोई इश्यू आपको नहीं है, आप कार ड्राइव करते समय भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जितने भी नॉब दिए हैं, बटन दिए हैं, मुझे पर्सनली बोला जाए तो जो फुल टच होता है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। जो बटन होते हैं उसमें आप ड्राइव करते समय भी आपका एक रहता है कि आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं, आपको एक हैबिट हो जाता है कि आप मतलब रेगुलर ड्राइव करते हैं अपनी कार को, तो आपको हैबिट रहता है कितने दूर पे है तो बटन से ऑपरेट कर सकते हैं। और टच रहता है तो आप कितने भी आप हैबिट हुआ रहा है तो आप उसको एक बार हल्का सा तो देखना पड़ेगा, बट इसको बिना देखे भी ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है, इसलिए मुझे पर्सनली जो टच स्क्रीन के साथ बटन आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ड्राइव करते समय। आप जब अकेले ड्राइव करते हैं तो बटन आपको ज़्यादा काम आती है। 1000 लैम्प आपको इस जगह पर मिल जाता है, और एसी वेंट इस जगह पे आपको मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पे, और इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी आपको मिल जाती है। यहाँ से आप चाहेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आता है वो आप लगा सकते हैं, सिगरेट लाइटर जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। और जो मैं टेक्सचर की बात कर रहा था एसी वेंट के पास, वो इस जगह पे भी वही टेक्सचर मिलता है, आप इसको अच्छे से छू के फील भी कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है। और इसका गियर नॉब है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपको देख के। आप इतने दूर अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी हुंडई वाली भी फील आएगी इस कार में आपको बैठ के। और अगर रेयर गियर आपको इसको अप्लाई करना है तो यहाँ से आपको उसको पुल करके रेयर गियर है वो अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे आप इसका रियर गियर अप्लाई करेंगे इसका कैमरा है वो आपको ओपन हो जाएगा, और कैमरा जो के साथ में आप जो स्टीयरिंग जिसका रोटेट करेंगे तो आपको गाइड भी करता है, जैसे कि आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी कार स्टार्ट नहीं है इसलिए स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, आपको वो ऑपरेट भी करता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी गई है, आप आराम से इसको सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। और देखा जाए तो और कोई यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं छोटे छोटे दो, और इस जगह पे आपको इसके जो हैंड ब्रेक मिलता है वो आपको मिल जाता है। हैंड ब्रेक के ऊपर भी हल्की से सिल्वर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और इस जगह पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्पेस भी आपको मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा हल्की सी आपको स्पेस मिल जाती है। अपना वॉलेट या कुछ छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और इस जगह पर आपको लेदर का यूज़ किया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी गई है कि मतलब थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी आपको हर जगह फील कराने की कोशिश की। और स्पेसिंग वाइज भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और इस जगह पे भी आप अपना फ़ोन ऐसे फंसा के रख सकते हैं। तो और कुछ तो ज़्यादा खास नहीं है, इस जगह पे भी थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है। चलिए तो ग्लो बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। ग्लो बॉक्स भी आपको इसमें डिसेंट साइज़ का मिल जाता है, ग्लो बॉक्स भी आपको काफ़ी बड़ा तो नहीं मिलता बट डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। अपना डॉक्यूमेंट जो भी रखना चाहते हैं, कार के जो पेपर्स हैं वो आप रख सकते हैं। और कूल ग्लो बॉक्स ये नहीं आपको ऑफ़र होता है, कूल ग्लो बॉक्स ऑफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइसिंग में आप ऑफ़र होती है उसका उतना कोई मतलब नहीं रहता, बट आप ऑफ़र कर सकते हैं कि फीचर्स में वो गिना जाता है। और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं जो काफ़ी स्मूथ ओपन होता है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, खाली टाइम में बैठे रहते हैं तो करने में बहुत मज़ा आता है। और जब कोई आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है, बट ये लाइट मुझे हुंडई से शिकायत है कि ये लाइट LED क्यों नहीं हुई, हुंडई से बोल रहे हैं, किया से शिकायत, हुंडई भी सेम यही काम करता है, हुंडई हुई किया हुई सब ये LED नहीं देते, जबकि टाटा का अगर देखा जाए तो वो हर कार में LED वाइट लाइट देता है। जब आप सब कुछ इसमें LED कर दिए हैं तो इसमें भी आप LED कर दीजिए ना, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हो इसके जो इसका आपको जो मिलता है सनरूफ, इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, अगर सनरूफ ना हो तो लोग गाड़ी चेंज कर देते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है हम दूसरी गाड़ी लेंगे, ये गाड़ी में सनरूफ नहीं, मतलब कि इंडिया में इसका कोई खास यूज़ नहीं है लेकिन लोग चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में सनरूफ होना चाहिए, भले वो बहुत मोटे तगड़े हैं और निकल ना पाए इसमें से, देख ना पाए, इसका यूज़ ना कर पाए, इतनी धूप लगती है इंडिया में, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि इसका कोई यूज़ तो है नहीं, लेकिन लोगों को अपनी गाड़ी में सनरूफ चाहिए। अब चाहिए तो हमको दिखाना भी पड़ेगा, और सनरूफ ओपन करेंगे तो आप इस जगह से कुछ ओपन कर सकते हैं, बट मज़ा तो आता है सनरूफ वाली गाड़ी में, मज़ेदार रहते हैं, मतलब फील आता है, लेकिन क्या बताएं जब गर्मी पड़ती है ना तो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। और इस जगह से आप क्लोज़ कर जाएंगे, सनरूफ काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही सनरूफ दिया गया है, बट यहाँ से आप क्लोज़ कर पाएंगे। और जिसका सीट है ना ये क्लोज़ नहीं होता, इसको अपने हाथ से ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा अपने हाथ को भी आराम ज़्यादा मत दीजिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि आर्म रेस्ट है तो आप हमेशा आराम करते रहेंगे तो हाथ आपका थक जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा उसको आर्म को भी अपने हाथ को भी मेहनत करवाइए। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ताकि आपकी जो वाइफ है वो अपना मेकअप कर सके वहाँ पे। तो सनरूफ की बात तो कर लिए, जो मेरे कैमरामैन जी हैं मनीष पांडे जी वो बोले थे भैया हमको भी सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए,
तब उनको भी कैसा समझाएं, उनको तो समझा नहीं सकते, आप ही लोग समझ जाइए कि भैया सनरूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट एक ऐसा फीचर है जो सबको चाहिए होता है। और सीट की अगर बात करें तो सीट भी कंफर्टेबल आपको मिल जाता है, बट अगर मुझे पर्सनली बोले थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, तो उसकी वजह से जितना मतलब जो प्राइस आप लोग ले रहे हैं ना, तो थाई सपोर्ट बढ़ा देते सीट के जो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप लॉन्ग राइड ड्राइव करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो सकती है। लंबर सपोर्ट की बात करें, लंबर सपोर्ट आपको ठीक सा मिल जाता है, बाकी जितने भी सपोर्ट हैं वो सबको ही मिल जाते हैं, बट थाई सपोर्ट थोड़ा सा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'9" के पास में है, तो उस हिसाब से भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसका जो थाई सपोर्ट है। फ्रेंड्स, सनरूफ में हम लोग बहुत ज्ञान दे चुके हैं, कुछ लोगों को ऑफेंस भी कर सकता है, बट जो सच्चाई मैंने बता दिया। मैं चलिए इसका जो म्यूज़िक सिस्टम की म्यूज़िक क्वालिटी वो सुना देता हूँ। साउंड चलाने से पहले आप लोग अपना ईयरफोन अपने कान में लगा लीजिए भाई, और हम लोग इसका गाना सुनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, म्यूजिक को फील करिए, बेस को फील करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको बेस मिल जाता है, म्यूजिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिलने वाली है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट सिस्टम लगवाना अगर आप, अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना ही चाहते हैं तब आप लोग लगवा लीजिएगा, बट अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे इस म्यूज़िक सिस्टम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो म्यूज़िक की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है, बेस भी आपको डिसेंट सा मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं अपनी पूरी गाड़ी हिलाना, तो आप म्यूज़िक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगाइए, बट अगर आप डिसेंट से आदमी हैं, चाहते हैं कि एक अच्छा खासा बेस हो, नॉर्मल ऑफिस गोइंग है, अपना रेगुलर काम करना चाहते हैं, आपको ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसका म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा बेस है, क्लियरिटी है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको देखते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है, इस जगह आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये जो आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग कवर है, इसके नीचे आपको यहाँ पर सोनेट भी लिखा हुआ मिल जाता है, बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन भी स्टीयरिंग का आपको मिल जाता है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, तो बढ़ते हैं इसके रेयर में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कितना स्पेस ऑफर हो जाता है और क्या क्या फीचर आपको रेयर में ऑफर होते हैं। तो सबसे पहले अगर डोर की ही हम बात कर लेते हैं, डोर में जो आपको बॉटल होल्डर मिलता है, आप 1 लीटर की बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं। और फ्रंट में ही जैसे लेदर फिनिश मिलती थी, पीछे की साइड में आपको लेदर फिनिश मिल जाती है वाइट कलर स्टिचिंग के साथ में, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लग्जरी लगती है। लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लग्जरी फील कराने वाली है। और एक सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है, सनरूफ से ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सनसेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है, क्योंकि इंडिया में जो गर्मी है ना काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और आप जो उसका ग्लास है वो टिंट करवा नहीं सकते, इस वजह से आप ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। और डोर हैंडल पहले जैसा आगे मिलता था, उसी टाइप का डोर हैंडल पीछे मिल जाता है। और मैं आपको वीडियो में पहले बता दूँ, मेरी जो हाइट है 5'9" है, तो उस हिसाब से मैंने आगे वाली सीट सेट की थी। और पीछे के साइड में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मुझे सीटिंग कम्फर्ट मिल जाता है। और लेग रूम की भी बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा लेग रूम हमको इसमें ऑफर हो जाता है। लॉन्ग रूट में भी मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट पैर उतना ज़्यादा अच्छे से मैं स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट में मुझे दिक्कत हो सकती है। और 3 लोगों की बात किया जाए तो मेरे जैसे 3 लोग तो बैठेंगे तो दिक्कत होगी, अगर 2 लोग और छोटा सा बच्चा बैठेगा तो उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और थाई सपोर्ट की बात करें, पीछे ठीक ठाक सा आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम बात करें पीछे वाले सीट भी थोड़ी सी कंफर्टेबल साइड में आपको मिल जाती है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसका हेडरेस्ट आपको मिलता है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इस जगह से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखी है। इस वजह से आप आराम से थोड़ा सा लॉन्ग रूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, फिर से बोलूँगा LED रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इस जगह पर आपको उसका हैंडल मिल जाता है, उसके बगल में ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपना सूट या फिर कोई सामान टांगना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंटर्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, और तो कोई ज़्यादा फीचर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, और इस जगह पे थोड़ा सा आपको मिरर्स मिल जाता है, शीशा मिल जाता है, जिस वजह से आपको क्लस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा, आपको उजाला उजाला हर जगह से रहने वाला है। तो इस वजह से पीछे की साइड भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको
फीचर ऑफर हो जाते हैं। अच्छे फीचर की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको देखने रियर साइड में एसी वेंट आपको मिल जाता है, जो डिज़ाइन आपको इस जगह मिलती है। चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है यूएसबी टाइप वाला, अपना फ़ोन यहाँ पे चार्ज में लगा के इस जगह पे अपना फ़ोन रख लेंगे। फ़ोन रखने की भी जगह दी गई है, आपको जगह खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ओवरऑल डिज़ाइन की बात किया जाए तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। केबिन भी आपको खुला खुला सा महसूस होता है, ये नहीं लगता है कि आप केबिन में कहीं बंद गए हैं, काफ़ी खुला खुला सा केबिन भी आपको लगता है, तो उससे भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक और फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के, आए तो फीचर दिखाते हैं फ्रेंड। इस जगह आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है इसको आप पुल करके सीट को दोनों साइड का पुल करके आप इसको सीट को नीचे कर सकते हैं। सीट नीचे करने के बाद अपने आप फिजिकल की निकाल लीजिए, फिजिकल की निकाल के आप पीछे के साइड में जाएंगे, मैं ओपन कर देता हूँ, ओपन करके फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे कि वहाँ पर चलिए बढ़ते हैं, जो फीचर आप बता रहे थे ना पीछे के साइड से ऑपरेट आपको करके दिखाते हैं, मेनली वो है अंदर के साइड से। अगर आप कभी फंस जाते हैं अंदर के साइड में और आपकी जितने भी पावर सप्लाई हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, तो आप अंदर फंसे हुए हैं सीट को डाउन कर लीजिएगा। सीट को डाउन करने के बाद ये जो फिज़िकल की आपकी आती है ना, उसको यहाँ पे आपको रखना है, उसके बाद इस साइड के आपको प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे आप प्रेस करेंगे आपकी जो बूट है अनलॉक हो जाएगा, आप पीछे के साइड से निकल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर आपको इसमें प्रोवाइड हो जाता है। पर्सनली देखा जाए तो मुझे फ़ीचर सारी कार्स में देना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी आपकी पावर जो है कट हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी फॉल्ट आ जाता है, आप मैन्युअली तो निकल सकते हैं ना, क्योंकि अगर पावर कट हो जाएगी तो मान लीजिए नहीं अनलॉक होता है, तो आप मैन्युअली वहां से निकल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में यही रहता है कि जो कार है काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलने वाली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आपको फीचर मिलने वाले हैं। फीचर्स के मामले में देखा जाए काफ़ी फीचर रिच कार ये रहने वाली है। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में इतने अच्छे लुक के साथ और इतना अच्छा फीचर कोई और कार प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर बट अगर पावर और सेफ्टी की देखा जाए तो और भी कार्स हैं, बट अगर फीचर के वाइज देखते हैं, अगर आप सिटी में ज़्यादा रहते हैं, कभी कभार आपको हाईवे जाना रहता है, हाईवे पे भी जाते हैं, तो कार उतना ज़्यादा आपको रिलायबल रहने वाली है, ऐसा नहीं कहीं पे ये धोखा दे देगी आपको। तो कंक्लूज़न यही है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कार लें जो फीचर रिच कार हो, आपको फ्यूचर प्रोटेक्टेड कार हो, मतलब फ्यूचर में कुछ दिन आप रखना चाहते हैं तो उतना आपको ऐसा ना लगे कि कार अभी ले ली कुछ दिन में पुरानी हो गई, तो ये कार आपके लिए परफेक्ट रहने वाली, एक परफेक्ट फैमिली कार भी ये बन सकती है। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट फैमिली कार आपके लिए बन जाएगी। और टर्बो इंजन के साथ में आती है और IMT है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा फन टू ड्राइव भी रहने वाला है। और एक फ़ायदा और है कि आपको ट्रैफिक में उतना दिक्कत का सामना नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्लच नहीं है तो आपको बार बार क्लच प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको किसी और गाड़ी किसी और रास्ते पर।